आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होंगे ना कि आखिरकार ये जो मंजुलिका वाला टास्क आया है ये क्या है। आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे कि आखिरकार इस मंजुलिका वाले टास्क का विनर कौन बना, क्योंकि भैया ये तो बड़ा ही अल्टीमेट अमेजिंग टास्क लग रहा है। तो चलिए बताता हूं कि आखिरकार बिग बॉस ने क्यों खानजादी सना और अंकिता को बना दिया मंजुलिका। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल टेली खजाना। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर आना, साथ ही साथ मेरे नए चैनल राहुल भोज कॉमेडी को जरूर सब्सक्राइब करें। राहुल भोज कॉमेडी के नाम से आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिरकार बिग बॉस ने ये पावर टास्क क्या खेला है और कैसे इसमें एंड तक जो जीतेगा उसको ये नॉमिनेशन वाला फंडा मिल जाएगा। दरअसल इस पावर टास्क में ये है कि जो भी इसमें लास्ट तक जीतेगा बचा रहेगा वो जो है सीधा नॉमिनेशन से सेव हो जाएगा। और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसमें अनएक्सपेक्टेड पर्सन जो है सेव हो गया है। तो भाई यहाँ पे दिल दिमाग और दम तीनों को बुलाया गया और बोला गया कि आप में से किसी एक को, तीनों मतलब सारी लड़कियों में से अलग अलग ग्रुप्स की, आपको जो है मंजुलिका बनना है। दिल से अंकिता बनी मंजुलिका, दिमाग से जो है खानजादी बनी और दम से सना बनी। अब इन तीनों को मंजुलिका बन के वैसे ही मेकअप करके परफॉर्मेंस देनी है और घर वालों को एक एक करके गुलाल लगाना है। ये तो हमने प्रोमो में देखा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक मेजर इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो मंजुलिका बनने वाला सिस्टम है इसमें लास्ट में जो बचा रहेगा, क्योंकि एक कंटेस्टेंट को 3% पर रंग लगाने हैं, सो टेक्निकली यहाँ पर अंकिता ने अपने तीन, जिसको वो पसंद नहीं करती उसको रंग लगाया और इस रेस से बाहर हो गई। खानजादी ने भी कुछ ऐसा किया और साथ ही साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट सना ने भी कुछ ना कुछ ऐसा ही किया। लास्ट में आपको बता दूं तो अनएक्सपेक्टेड जो विनर बना इस टास्क का वो है रिंकू जी। जी हाँ दोस्तों, रिंकू जी नॉमिनेटेड भी नहीं है और शी इज आउट ऑफ नॉमिनेशन और वो इस टास्क को जीत गई। पावर अगले हफ्ते शायद नॉमिनेशन उनको नहीं दिया जाएगा, तो ऐसे में रिंकू जी तो सेव हो गई दोस्तों। उन्हें जो है ये बड़ा टास्क दे दिया गया और उनको जो है वो तीन लड़कियों को दिया गया और उसके बाद वो जीत गई। अब रिंकू जी देखते हैं कि अपनी पावर का कैसे किस तरीके से इस्तेमाल करती हैं। जैसे आपको बता दूं तो अंकिता को सभी लोगों ने अप्रिशिएट किया और साथ ही साथ खानजादी को लेकर भी ये कहा कि ये दोनों परफेक्ट मंजुलिका बन सकती हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि ये जो मंजुलिका वाला टास्क हुआ है ये कितना ज्यादा एक्साइटिंग और एंटरटेनिंग होगा। और मैं चाहता हूं कि ऐसे टास्क आए, क्योंकि टास्क में से जैसे अनुराग डोभाल ने कमाल कर दिया, वैसे ही डेफिनेटली और भी कई कंटेस्टेंट है जो कि अपॉर्चुनिटीज का वेट कर रहे हैं। आपको क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। चलता हूं मैं।